फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस का दर्द कहाँ होता है, ये छोटा सा वीडियो है। इसमें हम यही जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस अगर महिला को है तो उसको दर्द एक्चुअली होता कहाँ है, ठीक है? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियो हमारे, तो आप उनको देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा। दर्द की बात करेंगे कि दर्द कहाँ होता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं। तो बेसिकली दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या दोस्तों, जो एंड्रोमेट्रियम वॉल्स होती है उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, और महिला जो होती है दोस्तों उसको ऐसा लगता है कि पेट में यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। तो कई बार महिला डॉक्टर के पास भी जाती है, नॉर्मल आरएमपी डॉक्टर के पास, तो वो उनको उतना ही पता होता, बोल देते हैं एंडोमेट्रोसिस है। एंडोमेट्रोसिस ऐसे आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है? कुछ जांचें होती हैं, सोनोग्राफी होती है ऑफकोर्स, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई सूजन है, ठीक है? तो यहाँ पे महिला को दर्द कहाँ होगा, पहली बात तो लोअर साइड में होगा, निचली तरफ होगा, ठीक है? निचली तरफ, नाभि के नीचे नीचे। उसके बाद पिछली तरफ होगा, पीछे, ठीक है? नीचे की तरफ, पीछे की तरफ दर्द होता है। कई बार ये दर्द ओवरीज में भी होता है। ओवरीज क्या होता है कि जब एंड्रोमेट्रोसिस होती है समस्या, तो ओवरीज चिपक जाती है, ठीक है? यूटरस से चिपक जाती है आके, क्योंकि यूटरस थोड़ा सा बड़ा हो जाता, तो ओवरीज में भी दर्द होता है और यूटरस के पिछले हिस्से की तरफ दर्द होता है। दैट मीन्स जहां पे रेक्टम होता महिला का, वो उस तरफ दर्द होता है। तो महिला को, जब महिला मल त्याग करती है, फ्रेश होने जाती है, तो उनको तब भी दर्द होता है। तो रेक्टम एरिया के पास, निचली तरफ, पिछली तरफ, ठीक है, वहां पे दर्द होता है। ओवरीज में भी दर्द होता है। और तो और दोस्तों, पेनफुल सेक्स का, जब महिला को सेक्स करते हैं तो उनको सेक्स के दौरान भी दर्द होता है। पहले भी होता है, बाद में भी होता है। सेक्स कर चुके होते हैं उसके बाद भी दर्द होता है। पेनफुल पीरियड्स भी होते हैं। पीरियड्स आ रहे हैं या आके चले गए हैं, मतलब कि आने वाले हैं या खत्म हो गया लास्ट डे, तब भी दर्द होता है, आने से पहले, आने के बाद भी। तो ये दर्द होता है एंडोमेट्रियोसिस का। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल पेट दर्द है, डोटा वेरिन दे दो, ये सब दे दो, ऐसा नहीं। पेट दर्द अलग होता है और एंडोमेट्रियोसिस का पेन अलग होता है। वो अलग ही महसूस होता है महिला को, निचली तरफ होता है बहुत ज्यादा, और वो तब बढ़ जाता है जब महिला सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, या मल त्याग करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई एंडोमेट्रोसिस का पेन कहाँ होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा यहां तक देखा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।